हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे दे तीमन। सरकारी विश्वविद्यालय भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सैलरी यहां पर आप लोगों को 40,000 से लेकर 60,000 तक आप लोगों को मिलेगी। स्थायी नौकरी है। 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर देती हूँ, ताकि अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक पर जो है वो जाकर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर से वैकेंसी आई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोगों को, यहां पर 4 अगस्त 2023 का जो पोस्टेड है, यहां पर एडवर्टीजमेंट और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आप लोग यहां डाउनलोड कर सकते हैं। साइड में जो है वो आप केवल देखना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी, क्योंकि एलिजिबल अगर आप हैं तो ही जो है वो आगे का वीडियो आप देखें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, लैब अटेंडेंट की है, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, निम्न वर्गीय लिपिक, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉर्म मैनेजर। तो यहाँ पर फॉर्म मैनेजर के लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए कृषि या उद्यान में। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों से स्नातक मांगा गया है कृषि उद्यान या वानिकी में। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 12th मांगा गया है, और साथ में कंप्यूटर डीसीए के साथ कंप्यूटर टंकन में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिंदी में 25 शब्द, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति टंकन दक्षता जो है वो अनिवार्य है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, साथ में 8 साल का जो है वो अनुभव होना चाहिए कार्य करने का सरकारी अर्ध सरकारी प्रशासन में। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश की जो है स्पीड 80 शब्द पर मिनट आशुलिपिक की जो गति है आपसे मांगी गई है, और साथ में ग्रेजुएशन जो है वो आपने की हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री की हो। पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं आशुलेखन में अंग्रेजी में 100 शब्द एवं हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर के लिए स्नातक की डिग्री छाया अंकन या वीडियोग्राफी में आपकी किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से। फॉरेस्टर के लिए यहाँ पर 12th मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय या काउंसलिंग से इंटर विज्ञान साइंस से आपने किया हो। लैब अटेंडेंट में जो है वो 10th मांगा गया है। नेक्स्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर स्नातकोत्तर की डिग्री जो है वो मांगी गई है, मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है 55% अंकों के साथ में, या इसके समतुल्य यूजीसी 0.7 स्केल में ग्रेड बी के साथ जो अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो। असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए यहाँ पर मांगा गया है कि कॉमर्स में या एमबीए में कम से कम 55% प्राप्तांक के साथ जो है वो आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली हो, यानी अगर आपने एमकॉम भी किया है तो भी आप यहां पर असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेतन मान जो है वो बिल्कुल अलग अलग है सभी का, 34,800 जो है वो असिस्टेंट कंट्रोलर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है, लैब अटेंडेंट के लिए, फॉरेस्टर के लिए 20,200 है, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए 34,800, पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 34,800, स्टेनोग्राफर 20,200 तक अधिकतम, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 34,800। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34,800 जो है वो अधिकतम है और बाकी जो है वो 20,200 है। तो चलिए मेन चीजें जो है मैंने 17 पेजेस की जो पीडीएफ फाइल है बहुत अच्छे से जो है वो रीड कर ली है, आपको जो है यहाँ पर बता देती हूँ। उम्र सीमा न्यूनतम यहाँ 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष जो है यहाँ पुरुष और महिला की जो है वो रहने वाली है यहाँ पर अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी की। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला की 40 वर्ष, एससी एसटी की यहाँ पर 42 वर्ष। यहाँ पर जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा, और एग्जाम की जो यहाँ पर चयन की जो पद्धति है सभी की अलग अलग है, जैसे लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, निम्न वर्गीय लिपिक, टेक्निकल असिस्टेंट और फॉर्म मैनेजर पद। यहाँ के लिए जो आपकी जांच या परीक्षा लिखित जो होगी 80 अंक की और इंटरव्यू 20 अंक का, टोटल 100। पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी आपकी। असिस्टेंट कंट्रोलर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए 80 अंक जो है वो आपके शैक्षणिक स्तर के और आपके जो है एक्सपीरियंस के 20 अंक, साक्षात्कार के जो है कुल प्राप्त अंक 100 अंक। फॉरेस्टर पद के लिए जो है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर 200 रुपए जो है वो आपके लगेंगे, जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला किसी भी वर्ग से संबंधित हो 200 रुपए लगेंगे, 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी के भी 200, बिहार राज्य के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अन्य राज्यों के, इनकी सभी की जो 800 रुपए जो है यहाँ पर फीस लगेगी।
ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और इसको जो है वो फिल कर लेंगे। मेन वेबसाइट पर जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर सारी चीजें अच्छे से जो है वो देख कर पढ़ कर और उसके बाद एप्लीकेशन करें। सारी चीजें जो है मेंशन की गई हैं, तो ये जो है जॉब यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।